ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युवाओं, ये मंत्र गायत्री मंत्र है। इस मंत्र से आप लोग अपने मानसिक को, अपने मानसिक में जो ऊर्जा है उसको बहुत ही मजबूत बना सकते हो। मैंने अब इस गायत्री मंत्र से अपने आप का, अपने अंदर की शक्ति है, ये अंदर जो ऊर्जा है उसे मजबूत किया है। मैं जो आज सोचता हूँ, मैं आज जो देखता हूँ, मैं आज जो बोलता हूँ, जो कहता हूँ, इससे मेरे अंदर जो गुण हैं आज के, जो आज में इस गायत्री मंत्र की जो से आज जो ऊर्जा आई है, इससे मेरा आज का एक दिन सफल हुआ है। ऐसे ही हर रोज, हर दिन, हर महीने, हर साल आप लोग कम से कम 3 बार पर हर रोज गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से आपका दिन, महीने, साल, आपकी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्योंकि गायत्री मंत्र में वो शक्ति है जिससे आप लोग एक नई ऊर्जा में जा सकते हो। दोस्तों, गायत्री मंत्र आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र में कम से कम 24 जो शब्द हैं, ऐसी जो माला होती है ना, अपन लोग इस माला को कम से कम 24 बार क्यों करते हैं? क्योंकि आप जो घड़ी है, जो घंटे हैं, वो 24 घंटे होते हैं। यानी कि अपने लगातार 24 घंटे में अपन लोग एक नई ऊर्जा में सम्मिलित रहे, इसलिए गायत्री मंत्र भगवान जी की माला होती है ना, उसमें 24 मोतियाँ होती हैं। तो आज से मैं गायत्री मंत्र के मैंने 3 बार उच्चारण किया है, आज का मेरा दिन, आने वाले ऐसे हर दिन मेरी जिंदगी के नया उच्चारण बन गया है। युवाओं, आप लोगों से कहना चाहते हैं, क्योंकि ये मन, क्योंकि आप लोग का मन अगर सकारात्मक रहेगा, सही ओर की ओर जाएगा, तभी आप लोग एक नई ऊंचाइयों को छू सकते हो, अपनी जिंदगी में नई प्रेरणा ले सकते हो, अपने आप को एक नया राह बना सकते हो और दूसरों की ओर अपना एक एग्जाम्पल रख सकते हो कि आज मैं यहाँ था और मैंने गायत्री मंत्र के उच्चारण से मैं आज यहाँ हूँ। तो आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, ये आपकी एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। क्योंकि आज के जो भी महापुरुष हो आज यहाँ से ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उनने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कार्य किया होगा जो आज वो एक नई लेवल, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। गुरुदेव कहते थे, अभी भी वो पहले वो कहते थे, लेकिन अभी भी वो अपने मन में बसे हुए हैं, अपन के मन के सकारात्मक विश्वास में बसे हुए हैं और कहते हैं, जो भी युवा सच राह पर चलता है वो हमेशा सफल रहता है, होगा। क्योंकि मन का जो विश्वास होता है वो बहुत मजबूत होता है। अगर अपन लोग एक बार ठान लेंगे कि हम एक कार्य कर सकते हैं, तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ये तो आप लोग को पता ही है। क्योंकि विश्वास ही विश्वास की एक प्रेरणा होता है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है और वो कार्य कर रहे हो, तो आप अभी तो सफल हो रहे हो, लेकिन आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, फिर भी वो कार्य कर रहे हो, तो वो कार्य आपका असफल हो जाता है। फिर आप उसमें उस राह को नहीं छू पाते हो, वो आप पीछे हो जाते हो। क्योंकि जिस कार्य को आप कर रहे हो, पहले उसमें मन लगाओ, उसमें समय दो, उस वक्त को, उस समकार को, तब आप लोग एक नई राय को छू सकोगे। क्योंकि मन का मजबूत वो वक्त आप लोग को एक नई ऊंचाई को छू सकता है, आप लोग एक नई प्रेरणा बन सकते हो आने वाले भविष्य के लिए।
आप लोग ये बता सकती हो कि गायत्री मंत्र की ऊर्जा, मन से जो ऊर्जा मिलती है उससे आप लोग कितना बड़ा कार्य कर सकते हो, आज कितनी बड़ी भारत देश को एक नई सृष्टि निर्माण कर सकते हो। आप लोग जानते हो भारत की युवा नहीं बल्कि विदेश की युवा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। मैं कह रहा हूँ तो आप लोग को हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं बता दूँ, आप लोग सर्च कर लेना, विदेश में रहने वाली युवा भारत देश से विदेश जा रहे हैं, भारत देश से विदेश जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ प्रभु एक दिन में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए समय निकाल रहे हैं। जिसके पास ज़्यादा समय हो तो वो 24 मोती वाली माला भी कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप तो भारत देश की युवा हो, भारत देश की धरती में हो आप। बोलो, कहते हैं लोग कि जो लोग जिस माहौल में चले जाते हैं, कहते हैं लोग जिस माहौल में चले जाते हैं लोग उस माहौल में ढल जाते हैं। भारत देश का युवा विदेश के माहौल में ढल जाता है, लेकिन फिर भी वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करना नहीं भूलता। आप तो भारत देश में हो और फिर भी आप गायत्री मंत्र उच्चारण नहीं कर रहे हो। मैं ये आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप लोग मंदिर आइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपने घर पे मंदिर बनाइए। आप लोग घर अपने घर पर समय दीजिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, तब आपका जीवन सफल होगा, आपका हर वक्त एक नए राय की ओर आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप जो मन से सोचते हो, जो मन से देखते हो, जो मन से बोलते हो, वो आपका एक नया दिन बनता है। ऐसी आपकी सारी ज़िंदगी आपकी एक नई उजागर बन जाती है, और मुझे खुशी है उस दिन की जिस दिन वो पहला दिन होता है जिससे मैं इस सत्य पे आता हूँ। जब अपन सफल हो जाते हैं तब अपन को ध्यान आता है कि वो दिन कौन सा था जिस दिन में मैंने ये राय पकड़ी थी। अपन को वो दिन ध्यान आता है और खुशी होती है कि वो दिन मेरे लिए ज़िंदगी में एक अवसर बन के आया था। मैं मुसीबतों को, मैं कठिनाइयों को मोड़ के नहीं जाता हूँ, मैं वो एक अवसर समझकर उनको एक अवसर समझकर उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एक युवा की एक ही शक्ति है, विश्वास। एक युवा विश्वास के सहारे, क्योंकि आजकल जो भी कार्य करते हैं तो अपन लोग कोई मान लो किसी दूसरे को कार्य देते हैं तो उस पर विश्वास करना पड़ता है, तब वो कार्य सफल होता है। लेकिन अपने अंदर एक ऐसा विश्वास भी रखो कि हाँ, एक कार्य हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने UPSC की तैयारी करना सपना देखा है, आपने UPSC का सपना तैयारी करने का सपना देखा है, तो उससे पहले अपने अंदर देखो और पूछो, क्या तुम UPSC की तैयारी करना चाहते हो? अगर अंदर से आवाज़ हाँ आ रही है तो 100% करो, आप सफल होगे। वो अंदर से आवाज़ आ रही ना तो मत करो, क्योंकि सफल तो होगे लेकिन लास्ट में ऐसी कठिनाई आएगी तो आप डगमगा जाओगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल नेम इज टैलेंट अकेडमी पॉइंट, आप लोग सर्च कीजिए। धन्यवाद।